भी नहीं लिया जाना उसके बिना। नैन्सी क्या हो गया तुझे यार, प्लीज ऐसे मत करना, हमारी दोस्त हमसे जिन जाएगी, तू मेरी दोस्त है यार। नैन्सी तू छोड़ ना उसका पीछा, तू अपने आप को देख एक बार, तू कितनी सुंदर है, कितनी गोरी है, उस कलवे के पीछे क्यों पड़ी हुई है, रहन देना, छोड़ उसका पीछा, तुझे इससे भी ज्यादा बेकार सुंदर लड़के मिलेंगे। क्या तो सही रहे हो तुम दोनों, मिल तो मेरे को उससे बढ़िया जाएंगे लड़के, पर मुझे तो उसी से शादी करनी है, उसने मुझे बोला क्यों कि मैं तुझसे शादी करूंगा और अब किसी और कलमुई से शादी कर रहा है, ऐसे थोड़ी ना चलता है, मैं मर जाऊंगी, मुझे छोड़ दो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। आजकल के लौंडे लपाटे यूं ही मरे डोले हैं, भगे हैं, छिपकली देख के तो यहाँ को ड्रम निकल जाए, मरेगी यू। अच्छा तेरे को लगता है मैं मजाक कर रही हूँ, मैं कूद नहीं सकती, क्या हो गया छिपकली से डर लगता है तो, मैं तेरा कूद के दिखाऊंगी, देखती जा तू, कूद सकती हूँ मैं, ठीक है, हाँ जा मर ले, जा कूद रही हूँ मैं, नहीं हाँ कूद रही हूँ मैं, नहीं मैं तो ना कराऊं, तुम ही करा लो, चल रोक दे उसको। हम तुझे ऐसे ही नहीं मरने देंगे, हम करवाएंगे तेरी शादी उससे, तू क्यों टेंशन ले रही है, हम तेरे दोस्त है ना। तू का सच में कूदन को हो रही, मैं कूदना ₹10 हो गई। हाँ, मैं सच में कूद जाती, अभी सारी मेरी हड्डी बस लेक हो जाती, तुमने बचाया नहीं मुझे, बचा तो लिया यार तुझे, हम नहीं कूदने देंगे तुझे, तो फिर मैं शादी करवाओ उससे, मुझे नहीं पता कैसे भी करके। हाँ। नहीं, हम कुछ जुगाड़ करते हैं, तेरी उससे शादी जरूर होगी। हाँ। चल लीजिए, चल कूद रही। तो एक सफल शादी के लिए हमें पहले तो चाहिए दुल्हन जो कि रेडी है, अब हमें सबसे पहले चाहिए दूल्हा, लिख राइट। दूल्हा, और मेरे सूत्रों के हिसाब से 2 दिन बाद उस कलमुए की शादी है, और आज वो जाएगा शेरवानी लेने और कच्छे लेने अपने चाचा की दुकान पे, और मुझे उसके चाचा की दुकान पता है, तो हम उसे वहीं पकड़ के किडनैप कर लेंगे। गुड, दूल्हा तो हो गया, अब दूसरा हमें चाहिए पंडित जो फेरे करवा सके। गुड, पंडित लिख। जो कि हमें मिलेगा गणपति मंदिर में। हाँ। अब और क्या चाहिए, और एक शादी को लीगल बनाने के लिए हमें चाहिए एक वकील, इंटेलिजेंट, जो हमें कहाँ मिलेगा, कोर्ट में। लिख। दूल्हा डन, पंडित डन, और वकील डन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी शादी होती है संपन्न। कांग्रेचुलेशंस। यार कहाँ रह गया तेरा कलुआ? अरे आता ही होगा यार, उसके चाचा की कच्छों की दुकान यहीं पे तो है, पता नहीं कहाँ रह गया मीठा। हाँ मम्मा, मैंने ले ली शेरवानी, हाँ लड़की की अंगूठी भी ले ली, कच्छे पिंक कलर के लिए मम्मी मैंने, ब्रांडेड वाले, हाँ फुल शॉपिंग कर ली मैंने शादी की। आ गया, जब मैं बोलूंगी तब आगे बढ़ना, ठीक है? ठीक है, ओके चलो गर्ल्स अटैक। बस मम्मी मजा ही आएगा ना शादी जब हो जाएगी मेरी। अरे अरे कौन है यार?
यार तेरे को पता तो है वकील को कौन किडनैप करेगा। हाँ यार तेरे को पता है पूरी दुनिया वकील से डरती है। भैया 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 हमारी दोस्त ना गाड़ी में बेहोश हो गई, प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए। चलो हाँ लड़की अरब वकील साहब ये खा गया मैं। इधर हो गया बैठ। हम बताते हैं नैंसी तू यहाँ पे। हाँ पहचाना ना तूने अनुराग, पहचाना ना। तुझे क्या लगा था कि ठुकरा के मेरा प्यार तू मेरा इंतकाम देखेगा? बिल्कुल सही लगा था, अब तू देखेगा मेरा इंतकाम। नहीं 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 मैं तेरे से शादी नहीं करूंगा। मेरी मम्मी ने मेरे लिए सुंदर सी कन्या देख रखी है ना, तो 2 दिन बाद मेरी शादी है। चुप बेवकूफ मीठा कहीं का। पर हमें क्यों लाए हो? अरे पंडित जी देखो शादी तो इसकी मेरे साथ ही होगी, चाहे ये चाहे चाहे ये ना चाहे, शादी तो इसको मेरे से ही करनी पड़ेगी। और शादी कौन करवाएगा? आप पंडित जी आओ। तो इसमें मेरा क्या काम? अरे वकील जी कैसी बातें कर रहे हैं, शादी को लीगल कौन बनाएगा? आप वकील जी आओ। नहीं मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, ये सब इलीगल होता है और मैं भी किसी की मर्जी के खिलाफ शादी नहीं होने दूंगा। क्या बोले दोनों? अरे हम ही तो करवाएंगे शादी। गुड बॉयज। और तू जल्दी से तैयार हो जा, दुल्हन को भी तो तैयार होना है। चलो जल्दी से तुझे भी तैयार कर देते हैं। चलो सुंदर सा लहंगा ले आते हैं मेरे लिए। अरे चलो बैठे रहना यहीं। यार गर्ल्स मैंने इतना सुंदर और इतना महंगा लहंगा तो ले लिया, पर मैं सबसे सुंदर दुल्हन तो लगूंगी ना। अरे तू बहुत सुंदर लगेगी देखियो। क्या है उस मीठी की जैसी एक्टिंग क्यों कर रही है? गैल रह रहा है कि उसकी जैसी हो रही। हाँ वो थोड़ा उसी का असर पड़ गया है मुझ पे। और मुझे क्या क्या लेना है अभी? ज्वेलरी लेनी है और लेना है और इसको देखा कहीं पे? ये तो हमारे जीजा है और ये हमारे घर पर ही तो है अभी। सर इनका मतलब है कि जीजा जैसे है, जीजा हमारे जो जीजा है ना ये इन्हीं के जैसे है। हाँ, उन्हीं के जैसे दिखते हैं। दिखाना दिखाना सर। नहीं नहीं ये तो बहुत स्मार्ट है, हमारे जीजा तो कलुए हैं कलुए। नहीं 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 सर इसकी तो नाक, हाँ इसकी तो नाक पतली है, उसकी तो नाक मोटी है, बहती रहती है सारा टाइम। वो तो थोड़ा सा बहंगा भी है, जब ऐसे उसे उधर उधर देखता है ना, एक तरफ मेरे को देखता है साउथ में, दूसरी आंख होती है नॉर्थ में। नहीं नहीं सकते। नाम क्या इसका? अनुराग। हमारी जीजा का नाम तो अनुरेग है, अनुरेग। ना मतलब ही ना बन तो कहीं से भी ना मिल रहा है ना सर, हमें नहीं पता। सॉरी सर। चलो कुछ तो गड़बड़ है विनय, कुछ तो गड़बड़ है, ढूंढना पड़ेगा। मुझे लगता है उस पुलिस वाले को ना हम पे डाउट हो गया और वो किसी भी टाइम आ जाएगा हमारे पीछे करते करते, सिर्फ तुम तीनों की वजह से। बेवकूफ हमने क्या किया, हमारी क्या गलती है इसमें? चुप कर अब। एक काम करते हैं उन तीनों लड़कों को ना छुपा देते हैं कहीं पे किसी सेफ सी जगह पे, वरना तो हम गए। चलो जल्दी चलो जल्दी चलो सीधा खड़ा हो। कौन छुपाए कौन छुपाए? हम लड़के अंदर छुपाते हैं। अब चुपचाप एक एक करके बैठ के अंदर घुस जाओ। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। मैं भी नहीं जाऊंगा। पंडित की तो शर्म करो। मैं भी नहीं जाऊंगा। क्या बोले? अरे हम भी तो जाएंगे। मैं मम्मी को बताऊंगा तेरे बारे। चुप। चल घुस जल्दी, तू घुस पहले। मम्मी आ गई पुलिस। सुन तू यहीं लेट जा, जल्दी लेट जा और यहाँ से हिलियो मत। हेलो सर। हेलो हेलो मुझे तुम लड़कियों पे शक है। लड़कियाँ? कौन लड़कियाँ सर?
अच्छा वही चार लड़कियां जो तुम वहां पर थी, वो उस बेचारे भोले भाले लड़के की 2 दिन बाद शादी थी और उसको किडनैप कर लिया, और तुम्हारे हाव भाव देख के मुझे शक है कि उसको तुमने ही किडनैप किया है। तो सर हम क्या करें, हमने ठेका थोड़ी ले रखा है लोगों की शादियों का, हमें बताया तो था कि नहीं जानते हम उस लड़के को, आप तो पीछे ही पड़ गए, बताओ नहीं जानते सर हम, ओके बाय। मदरा मेरे को पहले तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। तलाशी तलाशी का क्या करोगे सर? क्या हुआ सर? देखो ना सर कह रहे तलाशी ले लो तलाशी ले लो, अब मैं कह रही हूँ कि कुछ है ही नहीं, कुछ के बताओ मान ही नहीं रहे मेरी बात, तुम ही समझाओ यार, तुम ही समझाओ। अरे तुम चुप रहो, मेरे को मेरा काम कर दे दो। सर 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 कुछ है ही नहीं जब हम कह रहे हैं सर। सर बोल तो रहे हम कुछ भी नहीं है सर, क्या आप भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। चुप रहो। अरे सर वहाँ छोड़ो ना सर, क्या ब्लैंकेट खराब कर रहे हो, सुबह सुबह मैंने तेल लगाई थी, छोड़ो ना सर। सर मेरी बात तो सुनो सर। अरे कुछ भी नहीं है सर। सर सर बोला था ना हमने कुछ नहीं मिले। ये अलमारी कितनी गंदी हो रही है, साफ कर लिया करना। ये कौन है, इसको उठाओ यहाँ से, बैठ चेक करूँगा। सर इसको कैसे उठा सकते हैं सर, इसको तो आज तक भगवान नहीं उठा पाया सर। सर बीमार रहती है बेचारी, ना मरती है ना जीती है, ना जीने देती है, खून पी रखा है इसने हमारा। पर ये तो वही लड़की है जो तुम्हारे साथ थी वहाँ पर। ये कहाँ से हमारे साथ थी सर, आपने किसी और को देख लिया होगा। ये बेचारी तो 2 साल से पैरालिसिस में पड़ी हुई है, ये देखो इसके तो पैर भी काम नहीं करते। ये क्या सोच सकती है सर, ये तो सिर्फ काम है आगे और मुंह है। परेशान कर रखो है सर। अरे कॉकरोच। कर दिया इलाज फ्री में। सर आप धन्य हो सर, आपने हमारे दोस्त को बिल्कुल ठीक कर दिया सर। चलो बेड उठाओ। बेड सर बेड हम कैसे खोल सकते सर, पतली दुबली लड़की है सर। अरे मैंने बोला ना सर कुछ नहीं, चलो चलो चलते चलो सर आ जाओ। इंस्पेक्टर सर मुझे पता है आज जो मैंने हरकत की है ना वो बड़ी बैड मैनर्स थी, पर मैं क्या करूँ, मजबूरी है मेरी, प्यार जो करती हूँ उस मीठे से मैं बस इसलिए आपको किडनैप कर लिया। पर आप ना बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, वो क्या है ना मेरा कोई भाई नहीं है कन्यादान करने के लिए, तो आप मेरा कन्यादान कर देना, आप मेरे ऊपर चावल घेर देना भैया भैया। पहले क्यों नहीं बोला तूने, मेरी भी बहन नहीं है, मैं करूंगा तेरा कन्यादान, मैं डालूंगा तेरे ऊपर चावल डालूंगा। ठीक है भैया, पर आप ना दूल्हे को तैयार करवाने में उसकी मदद कर देना, मानता नहीं है वो कलुआ। हाँ मैं करवा दूंगा। ठीक है भैया मैं हाथ खोल देती हूँ। Yeah.
बटन बंद करो बच्चा। नहीं मैम, मैं ये सब नहीं करूंगा। और मैं तुम तीनों के बारे में ना अपनी मम्मी को बताऊंगा, वो तुम तीनों को बहुत डांटेगी। चुपचाप बटन बंद कर ले। हाँ, इसके बाल बिल्कुल चिपका दो। नाइस, अच्छा हेयर स्टाइल किया है। मैं टोपी पहना इसको। मैं ये नहीं पहनूंगा, मेरे ना हेयर स्टाइल खराब हो जाएंगे। मम्मी बनाती है अच्छे से बहुत। अरे चुपचाप टोपी पहन ले, नहीं तो थाने ले जाऊंगा और डंडे से कूट दूंगा तेरे को, समझ गया? अभी सर, अभी अभी पहनता हूँ। पहनाइए बच्चा इसे, शहरे के बिना दूल्हा अधूरा होता है। जूती तो रहने तुम, ये सब मुझे नहीं पहनना, मुझे अजीब सा लग रहा है बहुत। थाने लेकर जाऊं? नहीं नहीं, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं अभी पहन लेता हूँ। देखो आप तीनों ने जो जो बोला ना, मैंने वो कर दिया। अब मुझे जाने दो। इसके बैठ ले, मेरी बहन की शादी है, चुपचाप शादी कर ले, निथाने ले जाके डंडे से मारूंगा। समझ गया पंडित जी, दूल्हा हो गया रेडी। चोटी घुमा के ले चलो इसे मंडप पे। नहीं मैं नहीं चलूंगा। ऐसे नहीं मानेगा, इसको गोदी में उठा के ले। अरे मुझे शादी नहीं करनी। तो वरवधू शादी के लिए तैयार हो? हाँ हाँ पंडित जी, मैं तो तैयार हूँ, इस कलवे से पूछ लो। हाँ भाई कलवे, ओ मेरा मतलब है बेटा, तुम भी तैयार हो? पंडित जी मेरी शादी तो जबरदस्ती करा रहे हैं लोग। पंडित जी मैं तो कह रहा हूँ मंत्र पढ़ो, मैं तो बचपन से तैयार था जी, मंत्र पढ़ो आप। तो सबसे पहले वर वधु के हाथ में चावल दे दीजिए। अरे पंडित जी ये सब छोड़ो ना, आप मंत्र पढ़ो, जल्दी जल्दी करवाओ शादी। हाँ पंडित जी जल्दी करवा दो, मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है घर। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम तरुणस्तु सा। जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। ओ साकी साकी रे साकी साकी, आपस रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी। ओ साकी साकी रे साकी साकी, दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे 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 प्यार दे। हाय गर्मी, दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे 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 प्यार दे। इसको प्यार दे प्यार दे प्यार दे दे इसको प्यार दे। अब वर और वधू उठ जाइए वरमाला के लिए। शादी पूरी? हाँ बेटा शादी संपन्न हुई, चोटी घुमा के। आपकी लीगल शादी हो जाएगी, इस पे साइन कर दीजिए। तो
मैं जाऊँ? हाँ हाँ जाना, निकल। वैसे भी मेरा तो बस सपना था तुझसे शादी करने का, जो तूने मेरे जो झूठे झूठे सपने दिखाए थे ना कि तुझसे शादी करूंगा, बस वही पूरा करना था मुझे। अब शादी हो गई, काम खत्म, जा निकल। चल निकल। ये तो डायरेक्ट तलाक हो गया। हमें भी आज्ञा दीजिए और हमारी दक्षिणा भी प्रदान कर दीजिए। दक्षिणा अभी देते हैं। बिना दक्षिणा के जा रहा हूँ मैं। और किसको चाहिए दक्षिणा? अरे मुझे तो चाहिए नहीं, मैं तो खुद कन्या डाल डालने वाला हूँ। मैं जाऊँ? बहना थाने आती रहना, राखी बांधने। अरे मेरे चावल। पुलिस वाले भी आदत नहीं सुधरेगी, कुछ ना कुछ लेके ही जाते हैं। चले गर्ल्स, चलो। उस कलुए में किसको इंटरेस्ट था? बल्कि हमें तो इंटरेस्ट था उसकी प्रॉपर्टी में। क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया? चलो फिर दिखाती हूँ। इस कलुए ने अच्छा नहीं किया मुझे धोखा देके। तुम्हारी बहन को धोखा दिया है उसने। सपने तो मुझे दिखाता था। दीदी ऐसे शादी करेंगे, वैसे शादी करेंगे, दो बच्चे करेंगे, इतने बड़े घर में रहेंगे, और अब पता नहीं किस कलमुई के साथ शादी कर रहा है। पर मैं भी ना उसे ऐसे नहीं जाने दूंगी। इतनी गंदी हालत कर दूंगी ना, इतनी गंदी हालत कर दूंगी ना कि वो किसी से भी शादी नहीं कर पाएगा और तब उसे पछतावा होएगा। ऐसा क्या करेगी? मेरे पास प्लान तो है, मैंने सब कुछ सोच के रखा हुआ है। देखो तुम लोग ना बस जैसा जैसा मैं कहूँ ना उसमें मेरा साथ देते रहना। अरे हम ही तो करवाएंगे शादी। आपकी लीगल शादी हो जाएगी, इस पे साइन कर दीजिए। प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन करवा लेंगे। तो कैसा लगा मेरा प्लान? एकदम मस्त। और फिर हम हो जाएंगे मालामाल। भाई यहाँ पे शादी हुई थी अभी। भाई तू पागल वागल हो गया क्या? कितने सालों से ये बंद पड़ा है, कोई नहीं रहता यहाँ। अरे आप मजाक कर रहे हो क्या? मेरी अभी तो यहीं पे शादी हुई थी और मैं यहीं से तो गया था। और जब मैं गया था तब तो आप यहाँ पे नहीं थे, अचानक से कैसे आ गए? भाई तू पी वी के आया है क्या? मैं कितने दिनों से यहीं काम करता हूँ, दिन रात यहीं बैठा रहता हूँ गेट पे, मैंने तो तुझे नहीं देखा। भाई साहब देखिए मुझे नहीं पता, आप गेट खोलिए, मुझे अंदर चेक करना है। चल तेरी तसल्ली के लिए मैं खोल के दिखा देता हूँ तुझे। ले भाई देख ले, अपनी तसल्ली कर ले पूरी। लेकिन यहाँ तो अभी मेरी शादी हुई थी। अरे यहाँ पे अभी लाइटें लगे थे, फूल माला, वो सब कहाँ चला गया? भाई तू पागल वागल हो गया क्या? कितने सालों से ये पूरी बिल्डिंग खंडहर पड़ी हुई है। खंडहर? खंडहर पड़ी हुई है? घर भी गया, प्रॉपर्टी भी गई और लड़की भी चली गई। पता नहीं कहां से आ जाते हैं भाड़े के कपड़े लेके, सब चीज भाड़े जा रही थी क्या कहते हैं।